students, welcome back again. In previous lecture, we were solving solution of alkyl halide substitution reaction from the chouhan book, and we have solved up to question 67. Now in this lecture, we will solve from question 68 onwards. So let's start question 68. In question 68, when anisole treated with excess of HI, hydrogen iodide, then we have to find product. Okay, then see, anisole having a formula C6H5OCS3, ठीक है, ये क्या है, एक aromatic ether है, इसको हमने HI से reaction किया, ठीक है, तो देखो ये वाला bond ऐसे जाएगा, O पे minus चार जाएगा, यहाँ minus और इस पे plus, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड में जो आयोडीन पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि ये एक स्ट्रांग एसिड है और ये इजीली जो है आई माइनस और एच प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा जब ये रिलीज होगा, देन प्रोडक्ट विल बी फिनोल प्लस CH3I, ठीक है. तो और करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सी. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन. Means इसका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, CN माइनस. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो SN2 की होती है वो क्या होती है, 1 डिग्री जो है फास्ट रिएक्शन देगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री फास्ट रिएक्शन देगा, 3 डिग्री से 3 डिग्री जो है फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है. सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री. एक चीज और कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंडर्ड जो है, जहां पे स्टेरिक हिंडरेंस कम होता है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है. तो देखो ये जो है 1 डिग्री है, ये टोसाइलेट आयन होती है, मींस टोसाइलेट आयन ये पहले निकलेगा, 1 डिग्री है. हालांकि ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता. देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है. अब देखो टोसाइलेट आयन एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये इजीली निकलेगा, तो इस डी ऑप्शन में जो है फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है ना. SN2 में याद कर लेना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देता है 2 डिग्री से, एंड 2 डिग्री फास्ट रिएक्शन देता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से. हालांकि यहां पे एल्काइल हैलाइड नहीं है, ये टोसाइलेट आयन है. टोसाइलेट आयन जो है OTS माइनस जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है. क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है. यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है. तो यहां पे स्टेरिक हिंडेंस कम है, तो डी ऑप्शन में क्या होगा, ये फास्ट रिएक्शन देगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां हिंडेंस कम होगा, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 70. व्हेन दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद दिस कंपाउंड इट गिव्स मेजर प्रोडक्ट आय. तो देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि आई जो है, आई और सीएल दो ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, तो आई जो है गुड लिविंग ग्रुप है, वीक बेस है, एंड वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप. तो यहां पे देखो सी माइनस एन ए प्लस, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, आई सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल, तो ये एन ए आई निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर. ये आई माइनस और इस पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ए माइनस और इस पे डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है. तो जब ये निकलेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल. तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है सी में, ठीक है. हम ऐसा क्यों कहेंगे, बिकॉज आई माइनस जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है सी एल माइनस से, ठीक है. ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी वीक बेस का ज्यादा होता है, तो आई माइनस इज वीक बेस. आई माइनस क्या है, वीक बेस, एंड वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 71. ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. इन क्वेश्चन 71 व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है. तो देखो ये जो है एक कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है, ये एस है, ये एन ए है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, सी एस थ्री बी आर के साथ, तो ये थायो ईथर बना देगा, ठीक है. NaBr ये रिलीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ET2O का मतलब होता है डाइथाइल ईथर. तो देखो ये क्या कंपाउंड बनाएगा, SN2 रिएक्शन को देगा, और ये हमारा जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा SCS3, इसको बोलते हैं थायो ईथर, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी. 71 का होगा सी, ठीक है, क्लियर. और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो बोलेंगे SN2 रिएक्शन को, ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन, let's start question 72. See, in question 72, when this compound treated with OH minus,
और SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करेगा, तो हमें बताना है प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। तो अब देखो SN2 में ये Br निकलेगा, ठीक है, और इसके पोजीशन पे क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है, इसके पोजीशन पे क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। तो अब जो है इन्वर्जन जो है SN2 में क्या होता है, SN2 में बेटा याद करना ना, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। तो अब देखो Br इधर से निकलेगा तो ये H इधर चला जाएगा और OH माइनस यहां से यहां चला आएगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, ध्यान देना, इन्वर्जन रिएक्शन होगी, तो ये Br जहां पे वहां पे क्या चला जाएगा, H, और इसके पोजीशन पे, इसके पोजीशन पे आ जाएगा OH, बिकॉज कैसा रिएक्शन होगा, ये होगा इन्वर्जन, और इन्वर्जन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बी में, तो और करेक्ट आंसर विल बी बी। तो कीप इन माइंड इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड, OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट फ्रॉम बैक साइड, ठीक है, इसे मेमोराइज करके रखना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 73। सबसे पहले क्या होगा, CaCO3 जो है H2O के प्रेजेंस में क्या देगा, CaCO3 H2O के प्रेजेंस में एक बेस क्रिएट करेगा और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH twice, ठीक है, क्या बनाएगा CaOH twice, क्लियर, एंड प्लस CO2, तो इट्स अ बेस एंड बेस हैविंग टेंडेंसी टू डू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले ये Cl निकलेगा, तो देखो इसका मैं यहां पे मैकेनिज्म लिख रहा हूं CH2, अब देखो Me2 का मतलब हो गया दो मिथाइल, इस कार्बन से दो मिथाइल जुड़े हुए हैं CH3, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड CH2 पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगा, इमेजिन करो, तो सबसे पहले देखो ये वाला बॉन्ड, ये CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा, यहां पे प्लस चार्ज है, प्लस माइनस में बॉन्ड बन जाएगा, इसका नाम दे दो 1, 2, 3। तो देखो 3 पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा और यहां 1 पे प्लस चार्ज है, तो एक रिंग बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। 3 पे ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और 3 से क्या जुड़ा है, एक कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन पे दो CH3 ग्रुप है, एडिशनली इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो दिस कार्बन वियर्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पे कौन अटैक करेगा, H2O, why H2O, because H2O यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, and this positive charge here treated as electrophile, and electrophile will attack at that position where electron density is maximum, then what happens, again देखो C पे दो CH3 ग्रुप है, CH3, और यहां पे आ गया OH2+, OHH+, और यहां से एक रिंग जुड़ गया, क्लियर। अब अगेन जो है बेस सिस्टम में है, बिकॉज COH ट्वाइस बेस है, एंड बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करने की, तो ये प्रोटॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए निकल जाएगा, तो इस पे आ जाएगा OH, एक ऊपर CH3 हम लगा देंगे, एक नीचे CH3, और यहां से एक 3 की रिंग जोड़ देंगे। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, C से दो Me का मतलब दो मिथाइल, एक OH और एक रिंग बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 73 का ऑप्शन होगा डी, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 74, कंपाउंड को हमने HBr के साथ ट्रीट किया तो ए बना, इस कंपाउंड को हमने HBr के साथ ट्रीट किया तो बी बना, देन हमें प्रोडक्ट ए और बी आइडेंटिफाई करना है, ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सी HBr क्या करेगा, HBr के साथ हीट करेंगे तो देखो सबसे पहले इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो HBr यहां पे तो अटैक करने से रहा, ठीक है,
CH2OH. सबसे पहले HBr जब अटैक करेगा तो अटैकिंग रेजेंट होगा H+, तो H+ कहां अटैक करेगा, इस OH पे नहीं करेगा, क्योंकि जब भी OH निकलेगा तो बेंजीन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे नहीं टूट सकता, दिस वन इज रॉन्ग. ठीक है, क्लियर. तो देखो सबसे पहले H+ कहां अटैक करेगा, H+ यहां अटैक करेगा, ठीक है, और ये बना देगा OH2+, ठीक है, ये बना देगा CH2OH2+. NH2O वीक बेस है, वीक बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. फिर यहां से Br- इस पर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट विल बी ये यहां पे OH आएगा और यहां पे आ जाएगा CH2Br. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो ये हो जाए, इसको हमने HBr के साथ अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, H प्लस बी आर माइनस, ये SN2 रिएक्शन को SN2 रिएक्शन देगा. ठीक है, तो ये देखो ये OH HTs रहा, यहां पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा और ये H यहां पे आ जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा. A ये दिख रहा है, A हमारा कैसा बना, ये हमारा ये बना, तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, A में देखो ये इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, इसमें नहीं दिख रहा है, तो डी तो ऐसे नहीं होगा. अब देखो बी, बी हमारा ये ऑप्शन है, दो एच मतलब मेटा, मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल बोल सकते हैं, तो ये सिर्फ बी ही ऑप्शन में दिख रहा है. ठीक है, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 75. नाउ इन क्वेश्चन 75 रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन विद H2O इज व्हाट. ठीक है, हमें रिलेटिव रेट बताना है. तो देखो ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है. ठीक है, अब ONS यहां पे लिविंग ग्रुप का काम करेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, तो हमें ये देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है H2O क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे ज्यादा रेट किस पे होगा, मतलब थर्ड वाले पे पहले अटैक करेगा या सेकंड वाले पे या फर्स्ट वाले पे, तो हम बोलेंगे थर्ड वाले पे रेट ज्यादा होगा, क्योंकि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो एल्कीन का, इस एल्कीन का, क्योंकि इसमें दो CH3 ग्रुप है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा रहा होगा, तो एनजीपी इसका ज्यादा होगा. ठीक है ना, इस थर्ड वाले कंपाउंड का एनजीपी ज्यादा होगा, एनजीपी का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई जो है ये एल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन होगी, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, फिर इस पे अटैक करेगा, फिर इस पे अटैक करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. अब देखो एनजीपी क्या होता है, इसको हम यहां पे समझते हैं. एनजीपी का फुल फॉर्म होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एनजीपी मींस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. एनजीपी इस एल्कीन का ज्यादा होगा, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो H2O है, H2O क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले अटैक करेगा इस एल्कीन पे, क्योंकि जो अगर मान लो यहां पे इमेजिन करो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो इस एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ज्यादा होगी, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, कहने का मतलब उसको न्यूट्रलाइज जल्दी करेगा. तो एक चीज नोट करके लिख लेना कि न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन जो है मोर रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं. ठीक है ना, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन हैविंग मोर रेट ऑफ रिएक्शन, मोर रेट ऑफ रिएक्शन. और ये न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन, इस एल्कीन का, थर्ड वाले एल्कीन का क्यों न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन हम बोल रहे हैं, क्योंकि CH3 का यहां पे पार्टिसिपेशन ज्यादा है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इसको बोलते हैं. नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थर्ड वाले कंपाउंड का ज्यादा है, फिर सेकंड वाले का है, फिर फर्स्ट वाले का. फर्स्ट में कोई भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं है. ठीक है, इसमें देखो एक मिथाइल, इसमें दो मिथाइल है, तो इस एल्कीन का जो है ये जो एल्कीन है थर्ड वाला एल्कीन, वो मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन होगी, तो यहां न्यूक्लियोफाइल जो कि H2O है पहले अटैक करेगा, तो इसमें रेट पहले ज्यादा होगा 3 में, देन 2 में, देन 1 में. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी. ठीक है.